हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत ही बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दबंग 3 रिव्यू के बारे में। और दबंग 3 रिव्यू के बारे में केआरके जी ने, यानी देशद्रोही के सुपरस्टार देशद्रोही के सुपर हीरो आयरन मैन, स्पाइडर मैन, बैटमैन, शक्ति मैन, सबको फेल कर चुके केआरके जी की अगर मैं बात करूं तो केआरके जी ने अभी आई थिंक दबंग 3 का आप लोगों ने रिव्यू देखा होगा। और वाकई में ये रिव्यू देखकर आप लोगों को अब लग गया होगा कि वाकई में दबंग 3 बिल्कुल नहीं चलेगी। दबंग 3 एज अ सलमान खान जो इतने बड़े एक्टर काम कर रहे हैं, तो वाकई में उनके रिव्यूज देखकर मुझे तो लग रहा है कि ये मूवी आई थिंक सच में सिर्फ 100 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी जिस हिसाब से उन्होंने रिव्यू किए। पब्लिक को सबसे बड़ी निराशा देकर दिखा दिया है कि दबंग 3 बेकार है। ना तो उन्हें सॉन्ग अच्छे लग रहे हैं, ना ही उनको उनका एक्शन अच्छा लग रहा है, ना ही वो उनका उनको चुलबुल पांडे वाला स्टाइल, ना ही गाना मुन्ना बदनाम हुआ, कुछ भी नहीं अच्छा लगा है केआरके को। वाकई में पूरी तरह से बेकार लग रही है उनको मूवी। मैं बोलना चाहूँगा वाकई में अगर केआरके जी आप लोग फ्री में एक ट्रेलर देखने को मिला और आपने उसको इतनी अच्छी तरह से जो लोगों के हिसाब आपको दिखाना चाहिए इतनी अच्छी या गंदी तरह से प्रेजेंट किया है, तो आप इस मूवी को देखने जरूर मत जाना। क्योंकि देश की पब्लिक, आई थिंक इंडिया की बॉलीवुड जो फैंस है उसकी, वो पब्लिक सलमान खान के फैंस और अजय देवगन के लिए तानाजी की मूवी के लिए भी इन्होंने ऐसे ही बोला था कि ये मूवी 100 करोड़ कमाएगी, 125 करोड़ कमाएगी, और ये दबंग के लिए भी यही बोला है कि ये इतना ही कमा पाएगी। क्या वाकई में आप लोगों को इस मूवी के गाने नहीं पसंद आए, सलमान खान की एक्टिंग नहीं अच्छी लगी, या उनका जो पुराना स्टाइल चलता आ रहा है कि वो कपड़े उतार के खड़े हो जाते हैं और 6 पैक अपने 8 पैक एक्स दिखाने लगते हैं, तो वाकई में क्या ये मूवी का ट्रेलर आपको नहीं पसंद आया? और इस मूवी में अगर मैं बात करूं तो सलमान खान जो इतनी टाइम से सीरीज का इंतजार कर रहे थे दबंग 3 का, तो वाकई में जनता क्या इस मूवी को नहीं देखने जाने वाली है? मेरे हिसाब से ये मूवी कुछ नहीं तो 150 तो पार करेगी यार। आप लोग के हिसाब से ये मूवी कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है प्लीज एक बार कॉमेंट करके बताना। और आप लोग को केआरके जी ने जो बोला है आप उनको क्या बोलना चाहते हैं प्लीज प्यार भरी एक लाइन लिखना और बता देना कि वाकई में अगर केआरके जी ने अगर दोबारा कुछ ऐसी फिर से हरकत की तो हम उन पे नज़र बनाए हुए हैं और आप लोग के लिए एक बार फिर से हाजिर होंगे। हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। अच्छा लगा वीडियो तो शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।